पानीपत के जाटल रोड फ्लाईओवर के निकट बुधवार को अचानक दहशत का माहौल बन गया, जब अदामी ग्रुप की अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में से गैस का रिसाव होने की वजह से आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। पुलिस प्रशासन को भी मामले की सूचना दी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जाटल रोड 8 मरला पुलिया से लेकर जीटी रोड तक बैरिकेड्स लगाकर व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाकर मार्ग को बिल्कुल बंद कर दिया, वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आयत शुरू की। नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछ रही है तो उस गैस का ट्रायल कर रहे थे वो, जिसकी वजह से वाल में लीकेज पाई गई और वाल में लीकेज पाई जाने से गैस लीक हुई और गैस लीक होने की वजह से कोई माइनर स्पार्क मिला उसे, जिससे गैस इग्नाइट हो गई। तो इसकी सूचना हमें डीसी ऑफिस के माध्यम से मिली 11:15 के आसपास। हमने इमीडिएटली अपनी 2 गाड़ियाँ साइट के लिए रवाना कर दी कि ताकि हम जल्दी से जल्दी गैस को अरेस्ट कर सकें। इन द मीन टाइम IOCL की टीम भी यहाँ पर आ गई है और जो अडानी ग्रुप जो इस पाइपलाइन को बिछा रहे हैं उस टीम को मैंने बुलाया और इस लाइन को हमने आइसोलेट किया। पीछे एक वाल्व है और इस लाइन के आगे एक वाल्व है, जहाँ से वाल्व थे उन दोनों वाल्व को क्लोज किया ताकि जितनी गैस इस पाइपलाइन के अंदर है वो सारे की सारी इमीडिएटली जल जाए। अगर हम इसको आग को बुझा देते तो जो गैस है हमारे आसपास के एरिया में आ सकती है, कोई बड़ा हादसा ऐसे हो सकता था, परंतु हमने उसको कूलिंग इफेक्ट दिया और उस आग को जलने दिया ताकि जितनी मेरी जो गैस है पाइपलाइन के अंदर है वह सारे के सारे जल जाए और जो हमारे आसपास का एरिया है पूरा एरिया सेफ रहे इसके अंदर। कितनी गाड़ियाँ टोटल लगी थी? हमारे इसमें 3 गाड़ियाँ लगी हैं जो हमने कूलिंग इफेक्ट दिया है, जो हमने अपनी सेक्टर 25 हुड्डा से और रेड लाइट एरिया से और मेन स्टेशन से गाड़ी ले गए हैं। इन द मीन टाइम जो IOCL की इमरजेंसी टीम है वो भी यहाँ पर रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है जिन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया ताकि आम पब्लिक को इसमें कोई खतरा ना हो। इसके अंदर दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया, एरिया को पूरा आइसोलेट कर दिया इसके अंदर। अभी तो काम चल रहा था, अभी इतना बड़ा हादसा होने से बच गया, भविष्य में ऐसा? भविष्य में इस तरह का होता है कि हम इसमें ये इंश्योर करवाएंगे जो टीम इसको प्रोजेक्ट को कर रही है वाल्व की पहले पूरे टेस्टिंग करें अच्छी तरह से, उसके बाद ही लाइन को फिर चेक करें कि उसमें प्रेशर देना है या नहीं देना है। देखो ट्रायल लिया है, ट्रायल में थोड़ी बहुत खामी कैमरा निकल सामने आती है, बट उसको आइंदा से ये इंश्योर करेंगे कि पूरे वाल्व का वो प्रॉपरली टेस्ट करेंगे, किसी भी कंडीशन के अंदर किसी तरह कोई भी लीकेज ना हो इसके अंदर। आग कम्प्लीटली बुझ चुकी है। लाइन के अंदर जो गैस थी वो माइनस थोड़ी बहुत रह गई है, उसके लिए हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अगर कोई इस तरह की कुछ फ्लेम आती है तो हम उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लेंगे। और टेस्टिंग के लिए एयर प्रेशर भी दे सकते हैं, वो एक बार टेक्निकल मैटर है और टीम से डिस्कस करेंगे ताकि इस तरह का हादसा हम अपने पानीपत शहर के अंदर ना होने दें। कि सामने से 3 बंदे ड्रिंक करके यहाँ पे आगे बैठ गए और उन्होंने बीड़ी जलाने की कोशिश करी। जैसे ही उन्होंने बीड़ी जलाने की कोशिश करी वहाँ पे लीकेज थी गैस की लीकेज ठीक करने के लिए परसों भी इनके अधिकारी आए थे लेकिन उनसे ठीक नहीं हुई, फिर भी वो ऐसे ही छोड़ गए काम को अधूरा। फिर उसने जैसे ही बीड़ी जलाई उसने आग लग गई और उसके बालों में भी आग लगी, वो भाग गया, बालों में आग लगी, बच गया वो। लेकिन जब से आग भड़की फिर हमने अपने शटर बंद कर दिए और हमने आपके सामने कार्रवाई 1.5 घंटा हो गया फायर ब्रिगेड को काबू करते हुए। माहौल दहशत का माहौल था, मेरा साथ वाला ही घर है जी, देखो बीवी बच्चे वाले हम भी, कोई अनहोनी हो जाती तो कहाँ जाते। 1 मिनट में फायर होती है गैस के लिए, तो गैस तो सबसे ज़्यादा फायर पकड़ने वाला काम गैस का ही है, फिर घर पर आग लगे पीछे काबू तो होता नहीं, तो ये काम बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मौके पर आगे थे तुरंत, हमने जाटल रोड से और देसवाल चौक से अपना रूट को डाइवर्ट करवा दिया था, सारे व्हीकल उधर से डाइवर्ट करवा के जो दुकानें हैं वहाँ से खाली करा के पब्लिक को सेफ उसमें पहुँचा दिया था। और जो FSO इनके फायर सेफ्टी ऑफिसर यादवेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ आके उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और कोई जान माल का कोई इसमें नुकसान नहीं होया है। अभी आग लगभग बुझ चुकी है, टीम मौके पर है। सर लगभग कितने देर तक रास्ता खुल जाएगा? ये जैसे ही फायर सेफ्टी ऑफिसर हमारे को बता देंगे बिल्कुल क्लीन चिट मिलते ही हम रास्ता खोल के और रूट जो है प्रॉपर चलवा देंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।